अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल शेल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एंड देन हम वहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। स्फेरिकल शेल क्या थे? कंसिडर इट इन स्फेरिकल शेल ऑफ मास एम है एंड रेडियस आर है एज शोन इन द फिगर दिस। इसमें मैं आपको अगर फिगर दिखाऊं तो ये हमारे पास फिगर है। स्फेरिकल एक शेल है, ठीक है। तो हमने इसके ये स्फेरिकल जो शेल है इसका टोटल मास हमारे पास एम है और इसका रेडियस आर है। तो हमने इसको थिन रिंग बनाई, जैसे जैसे एक हमने एक रिंग बनाई है, देखिए आप देख रहे हैं एक रिंग बनाई, उसका रेडियस आर है और इसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये हमारे पास क्या है डी थीटा, यानी अगर रिंग है तो ये क्या हो जाएगी आर इंटू डी थीटा हो जाएगी, यानी इसकी जो हमारे पास लेंथ है वेट है सॉरी आर इंटू डी थीटा हो जाएगी। और क्योंकि ये रेडियस आर है और ये एंगल डी थीटा, तो ये हो जाएगी आर डी थीटा। और ये जो एंगल है हमारे पास इसका, ये एंगल थीटा है, तो इट मींस ये वाला हमारी जो हाइट इसकी होगी क्या हो जाएगी आर साइन थीटा, क्योंकि ये आर है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये सामने वाला आर साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा इसमें, ये अगर आर साइन थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, जो किसने लिखा ये आर कॉस थीटा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है आर, रेडियस कैपिटल आर है और आर का थीटा जो कि उसने लिखा है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इस दूसरे बॉडी तक ये आर है, और ये टोटल भी हमें पता है और यहाँ से यहाँ तक ये भी हमें पता है कितने आर का थीटा। तो ये कितना बन जाएगा रिमेनिंग आर माइनस आर का थीटा, क्योंकि टोटल आर है, टोटल में से आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा आर माइनस आर का थीटा, क्योंकि टोटल हमें पता है ये आर है, इसलिए आर में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इस डिस्टेंस को जो कि आर कॉस थीटा है, तो हमारे पास बन जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो कि क्योंकि हम इसको समझ लेते हैं दोबारा दोबारा, मैं इसको नहीं आएंगे इस पर मज़ीद, जो है ये जो वो लिख रहा है टू आर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर और ये हाफ हाफ आर और फिर ये मज़ीद टू आर, तो ये टू आर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टोटल इसका डायमीटर क्या होता है टू आर की इक्वल होगा। और ये लिखता है आर प्लस आर, क्यों लिखता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है आर है और इसमें आप ये मज़ीद आर ऐड कर दे तो आर प्लस आर विच इज़ इक्वल टू टू इंटू आर, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो जो डिस्टेंस वो लिख रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास आर माइनस कैपिटल आर है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता है, ये टोटल आप देख रहे हैं इसमें, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ ये अगर आपको टोटल डिस्टेंस पता हो, ये हमारे पास आर है और ये डिस्टेंस भी आपको पता हो आर, ठीक है, कैपिटल आर, तो ये आपने फाइंड करना है, तो टोटल में से आप ये वाला निकाल दे तो आपके पास क्या बन जाएगा ये वाला मिल जाएगा आर माइनस आर, ठीक है। और इस तरीके से इस टोटल में से आप अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला निकालना चाहें तो आप इसमें से क्या होगा आर प्लस आर, यानी ये आर में से आर ऐड करेंगे तो आपके पास आर प्लस आर इजिकल टू आर बन जाएगा। दूसरी बात इसमें मज़ीद जो है कि ये जो स्फेरिकल शेल है इस तरीके से, इसका ये हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया है जिसकी हमारे पास वेट क्या है आर डी थीटा है। अब हमारे पास हमने एक स्मॉल मास इसका लिया है, यानी ये वाला पोर्शन इसका लिया है, इस तरीके से इसके बहुत सारे सेगमेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेगमेंट, यानी हर सेगमेंट की वजह से यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगी, इस सेगमेंट की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो उसने सबको एक लाइन फोर्स की वजह से लिखा, कहते हैं हर एक की जो हमारे पास फोर्स है डेल्टा एफ है, हर एक जो स्मॉल पोर्शन होगा उसके हमारे पास क्या है डेल्टा एफ है। जैसे हमने डी यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी एम लिया है और इसकी जो थिकनेस है आर डी थीटा है और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये फी एंगल है, ठीक है, और ये एंगल हमारे पास थीटा है जो सोर्स है,
अब चलते हैं इसकी जो हमारे पास पीछे थ्योरी है वो। कंसिडर थिन स्फेरिकल यूनिफॉर्म शेल है, मास एम है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस आउटसाइड द शेल एट पॉइंट पी, जो कि हमने देख लिया फ्राम द सेंटर ऑफ द शेल, वी डिवाइड द शेल इनटू लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग, जैसे हमने रिंग आपको दिखाई लाइक दैट वन शोन इन द शेडेड रीजन, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द वन ऑफ द रिंग एंड द मास। अब हम करते हैं कि एक रिंग की वजह से फोर्स एक रिंग की वजह से फोर्स और मास फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसके बजी जो है नंबर ऑफ़ रिंग्स बना करेंगे कि इस बहुत सारी रिंग्स है, इस तरीके से हम बहुत सारी रिंग्स में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें टोटल से शेल की वजह से फील्ड मिल जाएगी। जी तो हम पहले एक रिंग के लिए फाइंड कर लेते हैं, फिर मज़ीद को हम देखते हैं। ये तो एक रिंग का हमारे पास एरिया होता है एज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ हमारे पास इसकी है 2 पाई आर साइन थीटा, यानी इसका जो सरकमफेरेंस बनेगा, एंड विड्थ हमारे पास आर डी थीटा, ये 2 पाई आर साइन थीटा। अगर आपको मैं इसमें बता दूं कि 2 पाई आर साइन थीटा कैसे आता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसकी रेडियस क्या है, आर साइन थीटा है। अब टोटल ये कितना है इसका, 2 पाई है, तो 2 पाई और हमारे पास इसका रेडियस क्या है, आर साइन थीटा है, तो ये बनेगा 2 पाई आर सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाई इट्स विड्थ, जो कि आर इंटू डी थीटा है। किसका, ये देखें आर इंटू डी थीटा, ये इसकी विड्थ है और जिसकी हमारे पास लेंथ है वो 2 पाई आर होता है, लेकिन आर तो नहीं है इसका रेडियस, का रेडियस है आर साइन थीटा है, तो 2 पाई आर साइन थीटा। ये इसका हमारे पास जो आप इसको कंसीडर कर लें किसका, डी ए यानी एरिया है। और इफ़ इस सिग्मा इज़ द डेंसिटी पर यूनिट एरिया, तो आपको पता है मैस क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा हमारे पास डेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो मास है ये उस टोटल स्फेरिकल शेल का मास है और 4 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। अब हमने जो डी एम लिया स्मॉल सिगमेंट, उसका एरिया होगा सिग्मा इनटू डी ए सिग्मा, और डी ए हमारे पास होगा, डी ए हमारे पास मौजूद है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा एंड डी थीटा, जिसमें आप अगर सिग्मा की वैल्यू ये वाली पुट कर लें एम ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम ओवर 2 साइन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। ये डी एम की वैल्यूज हमने फाइंड की है, ये डी एम अभी जो हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो स्मॉल पोर्शन लिया है डी एम, इसका हमारे पास मास है, ठीक है। बाकी ये ड्राइंग तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। तो हम ग्रेविटेशन का लॉ अप्लाई करते हैं, डी एफ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है। अब हमारे पास हम डी एम की वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं, ये डी एफ एल बी इक्वल टू सम ऑफ डी एफ, जितनी भी हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे डी एम हैं, या भी डी एम है, इसका भी समाल डी एम, तो हम क्या करते हैं सबका सम ले लेते हैं, इन समीशन डेफ डेल्टा एफ इज इक्वल टू सम ऑफ जी एम डेल्टा एम ओवर एस स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, देखें यहाँ से ये डिस्टेंस कितना बन रहा है एस, तो एस स्क्वायर ओवर इंटू कॉस फी। कॉस फी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम हमारे पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक व्हील नहीं होता, अब मैग्नेटिक फोर्स ने बल्कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है डेल्टा कॉस थीटा, कॉस फी है ये हमारे पास एंगल का कॉस फी सिर्फ कंपोनेंट, क्योंकि वो बाकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्यों, देखें एक वेक्टर फील्ड इस वजह से एक किस वजह से, तो इसके आपके पास ये वाला कंपोनेंट और इस वेक्टर का, इस वेक्टर के जो हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस तरीके से ऐड हो जाते हैं, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट एक का कंपोनेंट इधर होता है और दूसरे का हमारे पास, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो हमारे पास सम ऑफ डेल्टा एम डी एम जी एम ओवर एस स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ फी। अब हमारा काम है यहाँ पे डी एम की वैल्यू पुट करना, जो कि अभी हमने प्रीवियसली फाइंड की है, तो वो वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी एम एम ओवर 2 स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड कॉस फी द फोर ड्यू टू इंटायर शेल, अगर हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ इस पर, तो ये हमारे पास जी एम 0 to π होगा, क्योंकि हमारे पास स्फेरिकल शेल में एंगल थीटा की लिमिट क्या होती है 0 to π, जो कि हमने थीटा ज्यूम किया था इसमें, ये जो हमारे पास ये जो एंगल है इसकी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चल रही है, यहाँ से 0 to π तक थीटा की लिमिट्स, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस एंगल पे, क्योंकि फी तो हमारे पास में आप कंसीडर कर लेंगे कॉस फी साइन थीटा 2 स्क्वायर, और फ्रॉम ट्रायंगल यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r और कॉस थीटा, अगर आपको एक एंगल गिवन है और एक दो साइड गिवन है तो आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर सकते हैं, इसमें देखें ये एस है ये आर है और ये आपको पता है आर साइन थीटा है,
और ये एंगल भी गिवन है, तो आप इसमें एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये एक एंगल ये आपको फी गिवन है, तो आप लाफ को साइंस की मदद से लिख सकते हैं, जो कि आपके पास एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो इसमें आपके पास क्या कांस्टेंट है, ये चीज़ भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आप इसका डेरिवेटिव टू एस डेल्टा एस इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिस। एंड सिमिलरली फ्राम द सेम ट्रायंगल ओ पी क्यू हम ये भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू एस आर कॉस फी। ये भी ओ पी क्यू ट्रायंगल आप इसमें देख लें, ओ पी क्यू ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये अगर मैं इसमें कुछ अरेस कर लूँ, ये ओ है इस तरीके से, ये पी आपके पास ओ पी एंड क्यू, ये ट्रायंगल यानी आप ये वाला अगर एंगल को ले लें, इसमें एस है, ये आर है, ये एस है, ये कैपिटल स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये एस है और ये एंगल थीटा है, तो इसमें अगर आप लाफ को साइन लगाएंगे तो आपके पास बनेगा ये, सॉरी ये वाली चीज़ बनेगी आर स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर कॉस फी। यहाँ से अगर आप कॉस फी की वैल्यू निकाल लें तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और कॉस फी की वैल्यू भी यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और तो आपके पास थीटा की लिमिट 0 to π, क्योंकि आप जब आप पुट करेंगे तो किस में चले जाएँगे, कुछ इस तरीके की फार्मूलेशन आपके पास बन जाएगी। ये तो जब आप इसमें कॉस फी की जगह ये वाली वैल्यूज और साइन थीटा की जगह आप साइन थीटा की जगह आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, तो यानी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये एस डी एस ओवर आर इंटू आर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी लिमिट्स आर माइनस आर टू आर प्लस आर। ज़ाहरी बात है कि जब आप आगे वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो आपके पास लिमिट्स भी चेंज होगी, आर माइनस आर टू आर प्लस आर। ये आप इसमें देखें कि 0 to π जब एंगल 0 होता है तो हमारे पास आर माइनस आर, ये कहाँ पे अपुट करेंगे, ये आपको यहाँ से मिलेंगे, मैं इसमें बता देता हूँ, ये कि जब आप जो थीटा वाली इक्वेशन है ये वाली लिमिट्स, इसमें आप पहले 0 पुट करें, कॉस 0 पुट करेंगे तो आपको आपको मिल जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर होल का स्क्वायर, तो दोनों तरफ आप रूल लेंगे तो यानी ये एस इज इक्वल टू आर माइनस आर मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इधर कॉस 180 पुट करेंगे तो आपके पास एस प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये दोनों तरफ तो एस इज इक्वल टू आर प्लस आर, इस तरीके से वही ऑब्टेन आर माइनस आर टू आर प्लस आर, तो आपके पास एंगल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 to π आप इसमें पुट करें, एक दफ़ा 0 पुट करें, एक दफ़ा r पुट करें, तो आपको r माइनस आर दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये 4gm और 4r स्क्वायर इंटू आर और जिस और ये जो बाकी एक्सप्रेशन है इसको आप सिम्प्लीफाई करें तो आपके पास ये बन जाएगा। आन इंटीग्रेशन, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, तो ये ds है 4πgm ओवर r स्क्वायर, तो कहते हैं कि इस इंटीग्रल का आंसर आता है gmm ओवर r स्क्वायर। ये इंटीग्रल्स हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बकायदा सॉल्व करेंगे अलग से। ठीक है, आर माइनस आर और आप आगे आपके पास डी एस है तो ये एस आ जाएगा सिंपल, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, इसमें एस स्क्वायर है ऊपर डी एस इसका इंटीग्रल मौजूद है, बाकी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आप इसको ईजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो आपके पास बन जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन 0, और एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप इसमें जो जी की वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू दिस एंड जी की इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये जो जी है ये एक्चुअली अगर मैं आप बताऊँ जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम होता है ना, तो एफ की वैल्यू आपके पास मंजूर है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, ये नीचे एम है तो ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएंगे, तो जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। वे आर यू आर क्या है, ये एक रेडियल वेक्टर है, आपको डायरेक्शन बताता है।
अब टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए पॉइंट मास एम प्लेस इन साइड द शेल, अगर हम इन साइड द शेल देखेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो हमने आर माइनस आर किया है इसको हम आर माइनस आर को क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे कैपिटल आर माइनस आर, एंड द अपर लिमिट को आर प्लस आर को हम चेंज करेंगे आर प्लस आर में, क्योंकि अब हमारे पास आपने डायग्राम से देखा होगा वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, ये देखें यहाँ पे इन साइड पे आर प्लस आर इस साइड पे है और इस साइड पे हमारे पास आर माइनस आर है, ठीक है। तो इन साइड में हमारे पास अगर आप ये पॉइंट पार्टिकल इधर हो तो फिर आपके पास ये क्या बनेगा आर प्लस आर, और आउट साइड पे आपके पास आर माइनस आर। तो यहाँ से कहते हैं अपर लिमिट आर प्लस आर इंटीग्रेटिंग 10.49, आपसे और लिमिट चेंज करेंगे बाकी वही होगा सारी चीज़, आर माइनस आर टू आर प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है आउटसाइड इनसाइड जो हमारे पास स्फेरिकल शेल में फोर्स क्या होती है ज़ीरो होती है। तो कहते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो इट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी ज़ीरो होगी फॉर आर लेस दैन आर। इट मस्ट बी कैप इन माइंड दैट दिस रिजल्ट आर लेस दैन आर इज़ ट्रू ओनली फॉर ए स्फेरिकल शेल एंड नॉट फॉर सॉलिड स्फीयर। देखें ये स्फेरिकल शेल के लिए हम ज़ीरो करते हैं क्योंकि इन साइड ऑफ द शेल हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने देखा था ये भी ज़ीरो था, और ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड भी जो है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ये ज़ीरो होता है, लेकिन सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब कोई शेल है कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं है तो ज़ाहरी बात है उस पर हमारे पास फोर्स नहीं होगी। और इससे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, और आपके पास फोर्थ गिवन है माइनस जी एम एम और आर स्क्वायर, तो आप पोटेंशियल भी फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए फाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से आर लेस देन आर के लिए अगर मैं इसको जूम कर लूँ ये पोटेंशियल एनर्जी भी आप फाइंड कर सकते हैं माइनस जी एम एम और आर स्क्वायर फॉर ग्रेटर देन और फॉर लेस देन, तो आपके पास ये सारे केस की पोटेंशियल भी आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि इसमें अब कोई मसला नहीं होगा। ये यू पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड की, यू भी फाइंड किया, और फिर पोटेंशियल एनर्जी वी इज इक्वल टू यू और एम, तो यहाँ से आप वी इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइंड करने के लिए वी को रिप्लेस करेंगे यू और एम से, तो आपको पोटेंशियल भी मिल जाएगा, और इस तरीके से फॉर आर ग्रेटर देन आर एंड फॉर लेस देन आर के लिए आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। तो बाकी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस जी डेल्टा एम ओवर आर, डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें फॉर दिस, तो डेल्टा एम की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं एस साइन थीटा ओवर दिस, तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जीज फॉर दिस, और बिल्कुल सारी वही चीज़ें फॉर द ट्रायंगल, इसमें भी आप देखें एस स्क्वायर इसमें वो इंटीग्रल को फाइंड करता है यानी साइन थीटा और एस फाइंड करता है, जो हमारे पास लाफ को साइन है साइन थीटा और डी थीटा, और ये बनाता है डेल्टा एस ओवर आर इंटू आर, तो ये आपके पास मैंने जी एम एम और टू आर इंटू डेल्टा एस। अब दो केस के लिए करेगा ये इस इंटीग्रल को, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस को हमने भी फाइंड करना है एक्चुअली। तो कहते हैं कि फर्स्ट केस कि जब समाल आर इज़ ग्रेटर देन आर दैट इज़ द पॉइंट मास आउटसाइड द शेल एज बिफोर द लिमिटिंग द लिमिट ज़ीरो टू पाई चेंज टू एस इज इक्वल टू आर माइनस आर टू आर प्लस आर, जैसे हमने पहले लिमिट्स चेंज किए थे इस एंगल में। इसमें आप पहले पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास बन जाएगा एस इज इक्वल टू आर माइनस आर, क्यों बनेगा क्योंकि यहाँ पे जब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आर माइनस कैपिटल आर होल स्क्वायर, और यह स्क्वायर है तो दोनों तरफ आपने रूट ले लें एस इज इक्वल टू आर माइनस आर बन जाएगा इस तरीके से आर प्लस आर। तो ये आई थिंक कि इतना ही टफ नहीं है ये चीज़ें। तो आप पोटेंशियल एनर्जीज इन साइड और आउट साइड ऑफ द स्फेरिकल शेल ये देख लें, ठीक है। जस्ट आपने ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के लिए फाइंड किया, आप इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आप इसको देख लें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और साइन थीटा डी थीटा, यहाँ से आप इसको जो हमारे पास लाफ को साइन है उसमें रीअरेंज कर ले टर्म को डेल्टा एस ओवर आर स्क्वायर। ये हमने देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा किस बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा और डी थीटा बन जाएगा, यहाँ से आपके पास डेल्टा एस बन जाएगा और ये आर स्क्वायर, ये तो आर का
कांस्टेंट है ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें यू इज इक्वल माइनस जी एम एम ओवर दिस फॉर टू लिमिट्स आर ग्रेटर देन आर एंड आर लेस देन आर। तो आई थिंक्स कि इसमें कोई इशू नहीं होगा। इस तरीके से हमने फोर्स भी फाइंड की है जो हमारे पास पोटेंशियल है माइनस डी यू और डी आर। तो ये सारे कुछ सिंपलेस्ट केस हैं, ये ज़रा आप एक नज़र इसमें देख लें कि लेस देन आर के लिए फ़ोर्स क्या होता है, ग्रेटर देन आर के लिए फ़ोर्स क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक जो फील्ड के लिए जैसे हमने फ़ोर्स के लिए की है तो आप पोटेंशियल के लिए भी ये केस कर सकते हैं। तो मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करता क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये सारी एक ही तरह के हैं जिस तरीके से हमने पीछे की है इंटीग्रेशन सिंपल आर लेस देन आर एंड आर ग्रेटर देन आर। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं।